सारे भाई राम राम दोस्तों, मैं प्रदीप संधू भाई भाई हम लोग बैठे हैं यहाँ कुंडली बॉर्डर पर। और भाई कल एक बहुत ही दुखद घटना हो गई थी यहाँ सिंघू बॉर्डर पर। संत राम सिंह ने सुसाइड कर लिया था, गोली मार ली। उन्होंने कहा भाई सुसाइड नोट लिखे गए हैं, सुसाइड नोट में लिखा भाई मैं यहाँ किसानों से मिला और मेरी भावनाएं जो आहत हो गई थी ये दशा देख के किसानों की, तो मैं अपना बलिदान दे रहा हूँ। और उन्होंने भाई सुसाइड कर लिया था, बहुत ही दुखद घटना है। और आज हम लोग बैठे हैं भाई यहाँ, हरियाणा वाले भाई हैं मेरे साथ हैं और ये कह रहे हैं भाई श्याम सुख गाँव जिला हिसार से। और भाई इनका जो लोकसभा क्षेत्र लागा है दुष्यंत चौटाला, जो वहाँ से पिछली बार सांसद बने थे और अब की बार भी इलेक्शन लड़ा था, तो इनते पूछेंगे भाई के सिस्टम है। मतलब कि भाई जो दुष्यंत अब विधायक बने हैं तो भी किसानों ने बीजेपी के विरोध में जाकर इनको वोट दिया था तभी विधायक बने, लेकिन आज क्या जो दुष्यंत चौटाला है किसानों के साथ खड़े हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। राम राम भाई। राम राम जी। के नाम भाई? राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह गाँव श्याम सुख। श्याम सुख है। तो भाई आज स्थिति के है दुष्यंत चौटाला की, मतलब कि किसानों के साथ खड़े हैं? ना जी, दुष्यंत चौटाला तो बिल्कुल किसानों के साथ में नहीं है और किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है दुष्यंत चौटाला ने। अच्छा। इससे अच्छा तो बाबा राम सिंह है जिन्होंने अपना बलिदान देकर किसानों का वो अपना वो दिखाया है, पर दुष्यंत ने तो एक थोड़ा सा लालच भी अपने लिए वो नहीं त्याग सके है। अच्छा, मतलब कि जो किसानों के द्वारा लगातार मांग करी जा रही है आप इस्तीफा दे दो, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? नहीं जी, वो तो कुर्सी से चिपक कर बैठ गए हैं। अच्छा। वो इस्तीफा तो कभी मेम्बरी के पद से नहीं दे सकते, ये तो बहुत बड़ा पद मिल गया उनको, उनके औकात से फालतू मिल गया उनको। अच्छा। और ये पद वो कभी नहीं छोड़ सकते, वो तो पेवर पैसे के लिए भाग रहे हैं और किसानों को बहुत बड़ा धोखा किया इन्होंने। और भाई अमित, जो आप श्याम सुख गांव से आ रहे हो, कितने हरी ट्राली? हम हरी हरी जी, 3 ट्राली, 1 गाड़ी और हमारे कम से कम 50 आदमी। अच्छा। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को जहाँ भी जो भी भाई है उनको यही कहना चाहता हूँ कि 2 मिनट का जो बाबा राम सिंह जी ने हमारे लिए बलिदान दिए हैं उसके लिए 2 मिनट का मौन धारण करें और घर से निकलो भाइयों, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर, चाहे आप सिंधु बॉर्डर पर पहुँच सको, चाहे टीकरी बॉर्डर पर, जहाँ भी आप पहुँच सको, चाहे गाँव में जहाँ भी हो, आप धरने दे करके इस आंदोलन का मजबूती प्रदान करें। और भाई साहब आपने पूछा कि दुष्यंत चौटाला, मैं खुद जब घर से लड़ करके मैंने दुष्यंत चौटाला को वोट दिया था, लेकिन आज उस वोट के ऊपर मेरे को पश्चाताप हो रहा है कि मैंने एक ऐसे इंसान को वोट दिया है जो ना तो गरीबों के काम आया, ना ही किसानों के काम आया, ना व्यापारी वर्ग के काम आया, ना ही उसने हरियाणा के अंदर कोई ऐसा काम किया जिसके ऊपर मेरे को गर्व हो कि मैंने दुष्यंत चौटाला को वोट दिया है। वो तो एक ताऊ देवीलाल के नाम पर उस इंसान ने मतलब हरियाणा के किसानों से वोट लिए हैं, लेकिन आज जो उस इंसान ने किसानों की जो दशा करी, आज सर्दी के अंदर यहाँ बैठे हैं, मच्छर भी है, सर्दी भी है, बुड्ढे भी 28-30 आदमी अपने इस आंदोलन के अंदर जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन उस इंसान को कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है कि हरियाणा के आज किसान की हालत है, और वो इंसान आज इस्तीफा देने की बजाय कुर्सी से चिपक के बैठा है। और जैसे भाई ये आंदोलन स्टार्ट हुआ 26 तारीख को घोषणा करी गई भाई चलो दिल्ली चलते हैं, तो पंजाब से किसान आने स्टार्ट हुए, जो अपने खट्टर सरकार है उन्होंने बैरिकेड लगा के पानी की बोछारे डाली गई भाई, किसान दिल्ली ना पहुंच सकाए, उसके और लेकर क्या कहना चाहोगे जो बाधाएं डाली गई सरकार के द्वारा? देखो दिल्ली सारे देश की राजधानी है और दिल्ली के अंदर आना हर एक किसान हो चाहे वो कोई भी इंसान, उसका हक है क्योंकि राजधानी है दिल्ली। लेकिन खट्टर सरकार ने जो पंजाब से हमारे साथी आ रहे थे उनको बैरिकेड लगाए गए, सड़कें खोदी गई, उन लोगों ने जो हरियाणा सरकार ने जो निष्ठा दिखाई है वो बहुत ही एक घृणापूर्वक काम किया है। और सबसे पहले ये कि हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा के किसान नेताओं को जो गिरफ्तार किया था, 3-3 दिन 4-4 दिन हमको अंदर रखा गया था, वो एक लोकतंत्र के ऊपर घड़ा प्रहार किया गया है। ऐसी घटिया राजनीति का संदेश हमारे सीएम साहब ने दिया है कि जो कि बिल्कुल ही घृणापूर्वक काम किया उन्होंने। और एक और चल रहा है भाई अपने दिल्ली में, जितने भी मामले गए, जितने वोटर आए भाई, हरियाणा दूध दही का खाना, मतलब कि हरियाणा में तो लगातार दूध और दही आने लग रहे और बांटर लग रहे, देखा भी ट्राली ले लेकर, और तो अपने गांव में तो को आया है किसान? बिल्कुल, हम जिस तरह आटे कट्टे लेके आए हैं यहाँ भंडारे के लिए, दूध भी लेके आए हैं, चीनी भी लेके आए हैं, हर एक गाँव यहाँ पे होत भी आ रहे हैं। सोनीपत से हम सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं तो यहाँ पे से सोनीपत के हैं, पानीपत के करनाल से है, यहाँ से दूध के टैंकर भी आ रहे हैं, आटा भी आ रहा है और सब्जियाँ भी आ रही है, यहाँ तक कि दूध लस्सी भी आ रहा है, हर एक चीज़ जो हमारे आसपास के भाई हैं वो हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जैसे इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, कभी खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी कुछ कभी चाइना वाले, कभी पाकिस्तानी, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहूँ? देखो जैसे शाहीन बाग वाले बैठे थे और जैसे पहले भी जितने भी आज तक हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन हुआ हो,
कोई भी आंदोलन, सरकार ने एक ऐसी चीज सरकार अंदर लेके आई है ताकि उस आंदोलन को बदनाम किया जा सके, लेकिन परमात्मा की दया से ये किसान आंदोलन बिल्कुल ही सुरक्षित है। किसी तरह का कोई आपस में गुटबाजी नहीं है, कोई भी बदनामी का संदेश ना तो हरियाणा के किसानों ने दिया ना ही पंजाब के किसानों ने, हालांकि पूरे भारतवर्ष के अंदर ये आंदोलन चल रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक ये आंदोलन चल रहे हैं। ये तो सरकार खुद अपना निष्ठा का प्रतीक दिखा रही है भाई, हम नीच हैं और यह आंदोलन तो बहुत ही शांतिपूर्वक और ईमानदारी से चल रहा है। और यहाँ तो दो दो किले के जमींदार, एक एक किले का जमींदार, ना ही कोई खालिस्तानी है, ना ही कोई आतंकवादी है, ना ही कोई नक्सलवादी है। अगर है तो हम किसान हमारा दोष ही है, चाहे खालिस्तानी कह दो आप, चाहे आतंकवादी कह दो, चाहे नक्सलवादी कह दो, क्योंकि सरकार का जो राजा है आज, अगर लोकतंत्र के अंदर एक आदमी के भी अगर दर्द होता है तो राजा को दर्द होता है, लेकिन आज यहाँ लाखों की तादाद में लोग हैं जो रात को ठंडी में मर रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को, हरियाणा के सीएम को आज वो खालिस्तानी दिख रहे हैं, वो आतंकवादी दिख रहे हैं, यहाँ तक कि मीडिया वाले भी, जी न्यूज वाले, आर भारत वाले, ये लोग भी किसानों की आवाज़ को दबाने पर तुले हुए हैं। और जैसे एक हरियाणा सरकार के द्वारा एक साजिश रचाई जा रही है, अभी हो सकता है गत दिनों में, मतलब कि एक दो दिन में, या अपने जो पंचायती चुनाव होने हैं उनकी घोषणाएं कर दी जाए, ताकि भाई हरियाणा के जितने भी अपने किसान आ रहे हैं वापिस चले जाएं और ये आंदोलन है जो फीका पड़ जाए, कमजोर हो जाए, तो इसको लेकर क्या कहना चाहूँ? मैं तो पूरे भारतवर्ष के, हालांकि हरियाणा के किसानों से ये एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप राजनीति के चक्कर में ना पड़े, ये आंदोलन बिल्कुल राजनीति से दूर है। यहाँ आप आइए, देखिए कि यहाँ किसी एक भी मंच पर कोई भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं आ रहा है, ना ही किसी को बोलने दिया जा रहा है। आप सभी लोग राजनीति चक्कर से दूर रहें। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा के जितने भी भाई सरपंच हो, चाहे मेंबर में मेमरी का इलेक्शन लड़ रहा हो या ब्लॉक का या जिला परिषद, वो अपने अपने ट्रैक्टर ट्राली लेके आए। और लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, उन लोगों को वोट भी ना दे जो यहाँ ट्रैक्टर ट्राली लेके नहीं आ रहे, उन्हीं लोगों को सरपंच बनाए, उन्हीं लोगों को मेंबर बनाए जो किसान आंदोलन के अंदर अपनी पूरी तरह भागीदारी कर रहे हैं। और कोई संदेश देना चाहते हो? बस यही संदेश कहना देना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से कल हमारे संत बाबा राम सिंह ने जिस तरह बलिदान दिया है, उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए। और सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकले। और एक मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिस इंसान ने, जिस किसान ने ये आंदोलन नहीं देखा, वो उसने धरती पर कुछ नहीं देखा, वो ऐसे ही आया और ऐसे चला जाएगा। आप आइए और इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।